गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे राखी मेकिंग एक्टिविटी। इसमें हमने ये देखिए पेपर क्राफ्ट राखी बनाई है। इसमें हमने डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके फेस बनाए, जैसे इसमें हमने कैट बनाया है, टाइगर का फेस है और ये रैबिट का फेस है। ये हमने पेपर क्राफ्ट राखी बनाई है। इसमें हमने ग्लिटर शीट्स यूज़ की हैं। ये सिंपल हमारे कलर्स पेपर्स हैं जिसको हम घर में यूज़ करके इजीली राखी बना सकते हैं। इसमें ये देखिए कि जो हमने टाइगर का फेस बनाया है ग्लिटर शीट से, ये हम अभी बनाएंगे। लेट्स डू इट। इसे बनाने के लिए ये देखिए मैंने पिंक कलर की ग्लिटर शीट ली है। साथ में इसका फेस बनाने के लिए हमने टाइगर का येलो कलर की ग्लिटर शीट ली है। इसके अलावा हमने ये देखिए बांधने के लिए ये येलो कलर की रिबन ली है। इसको हम सबसे पहले, ये जो हमारी पिंक कलर की शीट है, इसके ऊपर सर पर ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। जैसे ये मैंने एक ये देखिए ढक्कन लिया। आपको जो सी शेप चाहिए, मतलब कितना बड़ा चाहिए आप, वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये सर्कल मार्क कर लिया। इसको हम सीजर की हेल्प से अब कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सर्कल कट कर लिया और इसके ऊपर हमने जो हमने टाइगर का फेस बनाना था उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये मैंने इसका सर्कल लिया है ड्रॉ करने के लिए। फेविकोल कोई भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए ये सर्कल बन गया। सर्कल के बाद यहाँ पे हम ये इसके ईयर्स बनाएंगे सेम इस तरह से। ये देखिए ये मैंने ईयर ड्रॉ कर लिए और ये फेस ड्रॉ हो गया। इसको हम अभी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स अभी हमने कट कर लिए हैं, सर्कल और इसके ऊपर। इस तरह से हम ये टाइगर का फेस लगाएंगे। टाइगर की फेस को अभी हम यहाँ पे इसकी आई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, या तो आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं या आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने नोज की यहाँ पे इस तरह से कटिंग लगाई है, इस तरह ब्लैक कलर की। ये देखिए आप पेपर्स यूज़ कर सकते हो, या पेपर्स आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसे स्केच पेन की हेल्प से भी हम लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये इसका फेस कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखिए हमारा टाइगर का फेस कंप्लीट है। इसको हम यहाँ पे, अगर आप ग्लिटर शीट यूज़ कर रहे हो तो इसके पीछे एक पेज होता है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये इसमें हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम फेस कर सकते हैं। इस तरह से ये फेस तैयार हो गया। अब हमको बस इसमें ये हमने रिबन लिया, इसको यहाँ पे हम सेंटर में, जो रिबन का सेंटर पोर्शन है, यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी राखी बन गई। बच्चे इस तरह के फेसेस को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए आप ये अपने घर में बनाएं और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। चाहे आप ये देखिए रैबिट का फेस बनाएं। इसमें मैंने ग्लिटर शीट यूज़ नहीं की है, ये हमने सिंपल पेपर यूज़ किया। आप ये दोनों अलग अलग फेसेस बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्लिटर शीट है तो आप इस तरह की राखी बना सकते हैं। थैंक यू।